Yes, my dear, all. I am very happy to say that today I am starting the chapter. Poem name is Wind, and it is very interesting poem of our class. And you will get some information and message also through this poem. How you can live your life? China Swami Subramania Bharatiyar. It is written clearly. Was an Indian writer and journalist, Indian independence activities and a social reformer from Tamil Nadu. That means it is very clear poet is from Tamil Nadu. He was popularly known as Mahakavi Bharati. Yes, Mahakavi, that means great kavi, that is poet, and a pioneer of modern Tamil poetry. In fact, he was one of the greatest Tamil literary figures of all time. He very strong candid patriotism and nationalism during the Indian independence movement. उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएट और बहुत सारी लिटरेचर का पार्ट साउथ में रह करके भी, तमिलनाडु में रहकर भी उन्होंने बहुत अच्छे से पोएम बताया, राइट किया, लिटरेचर बताया, जिससे कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ के उनसे नॉलेज गेन किया. ये भारतीय जो है, भारतीय अपने आप में पोएट में बहुत ही उन्होंने गुडविल अपने आप को पाया. He was badly affected by the imprisonment, but in 1920 the restriction imposed on his movement were removed by a general amnesty order. जैसे ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद उनका जो मूवमेंट था उस पर भी बहुत सारे तरह के रिस्ट्रिक्शन थे, वो भी खत्म हो गए धीरे धीरे. और एंड जिस तरह से देखा गया कि यहाँ जो बहुत बुरी हालात थे कंट्री के, उस पर भी उन्होंने बहुत तरह की बातें को पोएम के थ्रू राइट किया और बताया हमारे कंट्रीमैन को. हाउएवर ही वाज स्टक बाय एन एलिफेंट एट चेन्नई होम ही यूज्ड टू फीड डेली. लास्ट इनका इस तरह से हो गया. एंड ऑल्दो ही सर्वाइव्ड फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ दिन और भी रहे, but his health deteriorated to a great extent and that last month ko was so sad that means nahi reh paye, but we remember him as the people's poet, a great nationalist, outstanding freedom fighter and the social visionary of the country. Yes, sahi hai ki hamare country ka unhone jo bhi apne aap ko write kiya bataya wo bilkul people's ka poet tha. Unhone logon ke beech mein bahut sare baaton ko bataya jisse ki unko बहुत सारी चीज़ के बारे में जानकारी मिली और अपने आप को इनक्रीज किया. इस पोइट के द्वारा इनक्रीज किया गया हमारे इंडियन पीपल को. बट नो आई एम सेइंग अबाउट द पोएम. पोएम विंड में क्या बताना चाहा उन्होंने, अभी तो मैंने पोइट के बारे में बताया, बट नो आई एम गोइंग थ्रू द पोएम. सुब्रमण्य भारती हैज एडवाइज्ड अस टू बी स्ट्रांग इन माइंड एंड बॉडी. द विंड विल बी आवर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रांग. एक्चुअली द विंड रिप्रेजेंट द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस. We should encounter them boldly. ये बताया भारतीय पोएट ने, बताया कि हमें अपने आप को माइंड और बॉडी दोनों से स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो ये विंड जो है हमारा दोस्त नहीं बन पाएगा. और विंड को हम अपना दोस्त कैसे बनाएंगे, जब हम खुद स्ट्रांग रहेंगे. यस, एक्चुअली द विंड रिप्रेजेंट डिफिकल्टीज और चैलेंज. जब भी विंड आती है, हवा आती है, तो वो कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज ला के आती है, कुछ गिरा देते, तोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आना बन, तो हमें उससे फेस करना पड़ता है उनके चैलेंज को. सो इट विल बी बेटर दैट कि यू हैव टू बी स्ट्रांग. आप अपने बॉडी को स्ट्रांग कर लीजिए, सो दैट आप क्या करेंगे, उसे फाइट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगे. आपको अपने आप को स्ट्रांग बनना है. नाउ थीम ऑफ द पोएम. पोएम इंस्पायर अस टू फेस चैलेंज एंड हार्डशिप विथ करेज, ग्रीट एंड फॉर्म डिटर्मिनेशन. द विंड इज सिंबल ऑफ प्रॉब्लम्स. विंड तो सिर्फ हमें बताता है कि मैं एक प्रॉब्लम आता है तो कैसे हम फाइट करेंगे. या तो मीन्स आपको जब भी समस्या आती है तो आप कैसे फाइट करोगे. ऑब्स्टेकल विच आर टू बी डेल्ट विदाउट फियर. वी मस्ट फ्रेंड्स विद द विंड एंड ऑब्स्टेकल्स टू कोप विद हार्ड सिचुएशन. हमें क्या करना है, हमें अपनी सिचुएशन से, प्रॉब्लम से फाइट करना है. और वो फाइट हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप को स्ट्रांग रहेंगे. तो हम किसी सामने वाले से, दैट मीन्स जिसे हमें डर लगती है, उसे बिना डरे हुए हम फाइट कर सकते हैं. तो पोएट ने इस पोएम में बस यही मैसेज दिया हम लोग को कि हम सामने वाले से जीत सकते हैं, सामने वाले से लड़ सकते हैं, उससे उन्हें बन सकते हैं, जब हम अपने आप को स्ट्रांग रहेंगे. तो आपको अपने आप को स्ट्रांग रहना पड़ेगा सो दैट सामने वाले आपसे कमजोर पड़े.